मटकू। प्रेजेंट मैम। गपलू। यस मैम। डब्बू। यस मैम। कोली। प्रेजेंट मैम। रिंकी। रिंकी। रिंकी पिछले कई दिनों से स्कूल नहीं आई है। मटकू। प्रेजेंट मैम। गपलू। यस मैम। डब्बू। यस मैम। कोली। प्रेजेंट मैम। रिंकी। अरे हाँ, अब तो रिंकी नहीं आएगी। डब्बू, तुमने सुना मैम ने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब रिंकी स्कूल नहीं आएगी। हाँ, वो पिछले कुछ दिनों से आई भी नहीं है, तो क्या हुआ? डब्बू, मैम का मतलब है कि वो अब स्कूल कभी नहीं आएगी। अगर वो नहीं आएगी तो हम आधी छुट्टी में कैसे खेलेंगे? हमारी टीम तो छोटी हो जाएगी। लेकिन डब्बू, वह कभी भी स्कूल क्यों नहीं आएगी? ये तो मैम जानती हैं, उनसे ही पूछते हैं। हाँ ठीक है। मैम, अब क्या रिंकी कभी स्कूल नहीं आएगी? हाँ, अब वो नहीं आएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसका नाम स्कूल से हटवा लिया है। तो क्या अब वह किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने जाएगी? अरे नहीं नहीं, अब वह किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगी, घर पर रहेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि अब उसको घर पर अपने छोटे भाई की देखभाल करनी है। परंतु वो देखभाल तो उसके मम्मी पापा कर सकते हैं ना, तो उसको स्कूल छोड़ने की क्या जरूरत है? घर चलाने के लिए उसकी मम्मी पापा दोनों काम पर जाते हैं, इसलिए रिंकी को अब घर देखना है। मैम, लेकिन वो तो अभी सिर्फ 10 साल की है, क्या वो अपने घर और छोटे भाई को संभाल लेगी? मैंने उसके मम्मी पापा को समझाया था, लेकिन वे नहीं माने। और उसकी पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ाई तो उसकी अब नहीं होगी, क्योंकि वो पूरा दिन बस इसी काम में लगी रहेगी। लेकिन क्यों? देखो, रिंकी का तो पता नहीं, लेकिन तुम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करो। जी मैम।